दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि इस जो ये फिल्टर है, S1 फिल्टर, इसको आपने लगाना कैसे है। तो इसको लगाने के लिए एक ये आप देख रहे हैं, इसको प्री फिल्टर बाउल बोलते हैं। और इसका देख रहे हैं आप, दो होल्स देख रहे हैं। तो किसी भी मार्केट के प्लंबर से आप बुला के दो होल करा दीजिए। और इसमें अगर हम इसको खोलेंगे तो इसमें आपको ये दो छोटी छोटी गुटियाँ और इसके स्क्रू ड्राइवर आपको दिखाई देंगे, जो कि आपके दीवार में इसको हैंग करने में मदद करेंगे। इसके बाद पाइप्स की फिटिंग होगी, जो आपके डायरेक्ट नल से जो आपका पाइप आरओ में जा रहा है, तो इसमें आपकी जो पाइप लगेगी। और इसके लिए देखेंगे कि इसमें आप ये देखिए, इसमें मैं दिखाता हूँ एक साइड आपका। गाइज, अगर आप लोग चाहें तो कुछ ही दिनों में ये सारा सामान हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल हो जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आप लोग जा सकते हैं टाइम टू टाइम और देख सकते हैं कभी ये सारा सामान वहां पर अवेलेबल होगा। तो आप शुरू करते हैं। देखिए, ये इन लिखा हुआ है, मतलब आपका जो नल से जो आपका पाइप जाएगा ये यहाँ पे लगेगा, और एक आउट है, इन द मीन की आउट आपका इस फिल्टर से निकल के आपके आरओ में फिट होगा। अब इसमें हम पाइप को लगाएंगे कैसे, मैं बताता हूँ। तो इसके लिए आपका कोई लीकेज ना हो तो इसका आप यूज कर सकते हैं। ये इसको लगाने के लिए इसको आप देख रहे हैं कि आप ये है, इसमें जो कसा जाएगा तो आप देखिए, इसको आप ऐसे ये लगा के ना, ये टेप होता है, ठीक है ना, जो कि आपके लीकेज को रोकता है, ठीक है ना। तो आप इसको ये देखिए, आप ऐसे लगा के और इसमें आप इसको कस सकते हैं। इसको देखिए ऐसे आपने इन। गाइज, इसका भी बाय लिंक हम आपको अमेजोन से डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अगर ये अमेजोन पर अवेलेबल हुआ, हम भी श्योर नहीं है। और गाइज, अगर आप लोग दिल्ली के ही रेजिडेंस में हैं तो आपको अगर कोई भी आरओ परचेज करना हो या उसकी सर्विस करवानी हो, तो उसके लिए भी एड्रेस और मोबाइल नंबर और शॉप का नाम आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहां पर आप तरुण पांडे जी से बात कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एपेक्स की टेप है और इसके नीचे लिखा हुआ है 100% PETFE। तो अब देखिए, जैसे मैंने इसको इसमें लगा दिया, अब इसी तरह से आपको दूसरा जो ये है वॉल है, इसको भी आपने लगाना है। तो सेम आपको इसी तरह ये करना है, आपको इसमें ऐसे आपने ये लगा के, ये लीकेज आपके जब आप पानी की सप्लाई दे तो लीकेज ना हो, तो इसमें आप ऐसे करके इसको आप लगा सकते हैं। ये देखिए, अभी हमने इसको यहाँ पे लगा, वैसे बिल्कुल ही DIY काम है, इसके लिए आपको किसी भी मैकेनिक को बुलाने की जरूरत नहीं है, ये आप घर पर अपने ही हाथों से कर सकते हैं। अभी ऑलरेडी ये कसा जा चुका है, आप देख रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें कोई लीकेज की संभावना मौजूद नहीं है, लीकेज नहीं होगा पानी आपका। अब हम इसमें देखिए, अब आप देखिए फिल्टर को कैसे डालेंगे। तो हम इसमें इस फिल्टर को देखिए, आप देख रहे हैं इसमें हमने इस फिल्टर को डाल दिया, ये उल्टा सीधा कुछ भी नहीं है, आप किसी भी तरीके से आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, इसको सीधा आपने रखना है, और सीधा रख के आपको ये देखिए यहाँ पे आपको इसको ऐसे आपका फिल्टर जो है कसा गया अच्छी तरह से, अभी लगने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपने पहले ही दो होल करवा लिए अपने दीवार पे इसको लगाने के लिए, और ये आपकी पाइप होती है, मान लीजिए आपका नल है तो ये पाइप भी आपको नीचे लिंक में दिया जा रहा है, पाइप भी वहां से परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आपकी जो नल से पाइप आ रहा है, इसको आपने पहले इन में लगा देंगे। इस पाइप को लगाना बिल्कुल आसान है, देखिए आपने हल्का सा इसको लगाना है और पुश कर देना है, इन पाइप आपकी फिट हो गई, ये देखिए, ठीक है ना, अभी निकलेगी नहीं। और इस पाइप को आपके नल से जोड़ देना है, तो ये आपका इन हो गया। और जो दूसरा पाइप है गाइस, उसे नल से कैसे जोड़ना है उसका भी वीडियो जल्दी आ जाएगा, वैसे बहुत ही सिंपल काम है लेकिन उसका भी वीडियो जल्द आ जाएगा कि इसे नल से कैसे जोड़ना है। जो पाइप लगा हुआ है ऑलरेडी, जो आपके आरओ में पाइप ऑलरेडी लगा हुआ है, उस पाइप को आप आउट में लगा देंगे यहाँ पे, और इसको हैंग करने के बाद आपका जो है ये प्री फिल्टर बाउल तैयार है आपका काम करने के लिए। धन्यवाद।